और रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ के द्वारा भेजी गई शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। हम सबको पता है कि हालात इतने बुरे थे कि वैद्य जी ने साफ कह दिया था कि अगर सूर्योदय के पहले हिमालय से संजीवनी बूटी नहीं आती तो लक्ष्मण जी को बचाया नहीं जा सकेगा। अब इस खबर से तो सब व्याकुल, सब चिंतित हो गए थे कि पता नहीं संजीवनी आ पाएगी कि नहीं, लक्ष्मण जी बच पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब यही खबर सीता माँ तक पहुंची तो वह दुखी नहीं हुई बल्कि जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोचिए सीता मैया हंस क्यों रही होंगी? ये सवाल त्रिजटा के मन में भी उठा। उसने सीता माँ से पूछा कि आप हंस क्यों रही हैं, ये तो चिंता का विषय है। सीता माँ ने कहा नहीं, बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। जब तीनों लोकों के स्वामी की गोद में वो व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके लिए संजीवनी लेने खुद महाबली हनुमान गए हैं तो ये संभव ही नहीं है कि वो सफल ना हो। ये संभव ही नहीं है कि काल उन्हें किसी भी तरह की हानि पहुंचा पाए। ये सीता माँ का विश्वास था जिसकी वजह से वो दो मिनट के लिए भी व्याकुल नहीं हुई, चिंतित नहीं हुई, व्यथित नहीं हुई। हम सबके साथ लाइफ में कठिन सिचुएशन आती है और हम पैनिक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, जबकि जरूरत होती है मन में विश्वास रखने की। विश्वास उस असीम शक्ति पर जो हर पल जाने अनजाने आपके साथ है। मन में विश्वास रखिए, फिर आप शांत मन से हर सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और सही निर्णय भी ले पाएंगे।